हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर मोबाइल में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ़ोन पे एटीएम के बारे में। तो मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा फ़ोन पे एटीएम की और एक डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना। और आपके पास फ़ोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी हमारी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्टोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम के बाजू में, तो उस पर आपको क्लिक मार देना। यहाँ पे देख सकते हैं स्विच और होम के बीच में जो ऑप्शन है स्टोर का, उस पर क्लिक मार देना है। उस पर क्लिक मारने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन पे एटीएम का ऑप्शन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू करके ग्लो हो रहा है, तो उस पर आपको क्लिक मार देना है पैसे विदड्रॉन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फूड के बाजू में जो ऑप्शन है फ़ोन पे एटीएम का, तो उस पर क्लिक मारने के बाद आपके नियर बाय जितने भी स्टोर्स है जिसमें आप फ़ोन पे एटीएम यूज़ कर सकते हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नियर बाय जो स्टोर्स है उसकी लिस्ट आ चुके हैं मेरे सामने, और जहाँ पे कुछ क्लोज दिखा रहे तो कुछ ओपन दिखा रहे। तो इसमें से दोस्तों जो भी आपका ओपन दिखाई देगा उस पर क्लिक मार के आप ये कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो भी एक स्टोर दिख रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हॉटस्पॉट करके एक स्टोर है जिसमें फ़ोन पे अवेलेबल है, तो उस पर मैं क्लिक मार देता। तो उस पर क्लिक मारने के बाद यहाँ पे देख सकते दोस्तों दुकान का नाम, एड्रेस, और कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड लास्ट ऑप्शन है शेयर के बाजू में विड्रॉल कैश का, तो विड्रॉल कैश पे आपको क्लिक मार देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ के बीच में और पे नाउ और शेयर के बीच में हम लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग अभी कैसे कैश विड्रॉल कर सकते हैं उसकी हम लोग को थोड़ी जानकारी दे जाती है। हम लोग को जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ बंदा है उसको बोलना है कि हम लोग को फ़ोन पे एटीएम यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग को स्कैन यूपीआई करके, उनका जो यूपीआई आईडी होगा वो स्कैन करके हम लोग को उसके अकाउंट में पैसे सेंड करने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जितना विड्रॉन करना है कैश, जैसे कि 100 रुपीज़ है, तो आप जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देने। और यहाँ पे देख सकते हैं पे टू विड्रॉ पे आपको क्लिक मार देना है। उसके बाद आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है और उसके अकाउंट में पैसे जाते ही आपको वो कैश काउंटर वाला पैसे दे देगा। पहले आपको उसको पूछना है कि यहाँ पे फ़ोन पे जो एटीएम है वो यूज़ होता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोन पे एटीएम के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो फ़ोन पे के होम सेक्शन में जाकर यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट या फिर सेकंड ही बैनर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको फ़ोन पे एटीएम की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप दिखा देता हूँ कि ये सेटिंग कैसे दिखते हैं। तो मैंने क्लिक मार दिया तो थोड़ा टाइम लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको करना क्या है, आपके जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसके स्टोर सेक्शन में जाके आपको नियर बाय स्टोर ढूंढने और वहाँ पे जाके आपका फ़ोन पे एटीएम यूज़ कर देना है। तो अगर दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत आती है फ़ोन पे एटीएम यूज़ करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बताने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।